नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और एक बार ग्राउंड रियलिटी में बात करेंगे कश्मीरी पंडित इंप्लॉयज की, जो लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता दी चलूं, राजभवन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, उससे पहले भी अगस्त के यानी कि समर सीजन में, अगस्त के महीने में कश्मीरी पंडित इंप्लॉयज ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन तब भी कोई भी डिसीजन निकलकर सामने नहीं हुआ। मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन कोई भी डिसीजन सामने नहीं आया। और आज फिर राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। इससे पहले भी आप राजभवन में आ चुके हैं, राजभवन के सामने आपने धरना प्रदर्शन किया है, आज फिर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मई 12 से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 1.5 महीना पहले LG साहब के दरवाजे के बाहर खड़े थे, हम कोई नारे नहीं दे रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े थे, हमें एक बार मिलने का मौका दें, हमें अपनी व्यथा सुनाने का मौका दें। बजाय कश्मीर के हालत सुधारने के, रजौरी में घर में घुस के हिंदुओं को मारा जा रहा है। और ये जाति विध्वंस आज से नहीं, 700 साल से चल रहा है कश्मीर में। इसको रोकने के बजाय आपने एम्प्लॉयज की सैलरियां रोक दी। 3 दिन पहले हमारा एक एम्प्लॉय घर में बैठे मरा है, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, 3 महीने से दवाई नहीं खा पा रहा था। आपने हमें पेन से मारा, आपने हमें गन से मारा, आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। वी आर प्राउड इंडियंस, हमने 12 साल वहां नौकरी की है, रोज हमारा कल्चरली जूनोसाइड हो रहा था, नजरअंदाज किया उसको, लेकिन अब जब हमारी जाने जा रही है, आपको आप पे सवाल उठेंगे। घर में घुस पे पूरा हिंदू गांव है, डांगरी हिंदू गांव, घरों में घुस के मारा जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आप हमारे को बोल रहे हैं आपको घर में बैठ के तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर में बैठ के गोली मिलेगी। सोल्यूशन दीजिए इस पे, अंदर बैठने से नहीं चलेगा, दरवाजे खोलिए, बोलने से नहीं होता है, दरवाजे खोलिए और मिलिए। थैंक यू। वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, तो क्या लगता है आप दरवाजे खुलेंगे? ये लोग जब अंदर बैठते हैं ना अपने रूम में, ये बाहर हमें ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं, क्योंकि जो इनकी सिक्योरिटी है ना, वो हम जैसे हैपलेस एम्प्लॉय से काफी ज्यादा है। ये हमारे दर्द को समझ नहीं पाते, ये दुनिया को देखते शायद जितनी हैवी लोडेड सिक्योरिटी इनके पास है, जितने ज्यादा ब्लेस्ड ये, शायद हम सारे भी उतने ही ब्लेस्ड हैं। 8 महीने से तनख्वाहें बंद है, कैसे चलेगा घर? टेररिज्म के शिकार है, उसमें एक भी प्लान नहीं आता है, उसमें एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है कि आज से कोई भी टारगेट किलिंग नहीं होती। सैलरीज बंद हो जाती है, घर वाले मर रहे हैं। कल हमारा एक एम्प्लॉय मरा, चांदजी भट्ट, उसकी सैलरी बंद थी, दवाई का खर्चा नहीं था, वो मरा कल कवर हुआ है उसका। और एडमिनिस्ट्रेशन एपैथीज है, इन्हें उस पर काम करना चाहिए। हम जहाँ लगभग अब कितने महीने हो चुके हैं आपकी सैलरी को बंद? मैक्सिमम लोगों की रिपोर्टिंग है कि जो अगस्त से बंद है, अगस्त से पहले जुलाई से काफी रिपोर्टेड केसेस है, उनकी भी बंद है। ये बोलते हैं हमने सबकी सैलरी छोड़ी के घर बैठे तनख्वाह, हम तो काम करना चाहते हैं जम्मू से, यही हमारी सर्विसेज यूटिलाइज नहीं कर, यहाँ हमें चाहते हैं आप जाइए वहाँ पे रहिए, कल मरोगे, फिर 2-3 दिन का नाटक होगा, ड्रामाबाजी होगी, मीडिया में खबरें आएंगी, उसके बाद भूल जाएंगे। 22 किलिंग हुई है, क्या इन्हें भूलना चाहिए था? आज तक रजौरी का इंसिडेंट भी यही एग्जाम्पल है, एक क्लोज मैसेज कह रहे हैं रजौरी, और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, अगर उन्हें हमारा खून भी चाहिए हम खून देंगे, लेकिन ये इंसिडेंट रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है लोकल सपोर्ट, और तीसरा है स्टेट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज, जो कभी भी ऐसे निहर के नहीं आती जिसमें आप इन सब पे रोक लगा सके। आप हमेशा अपनी आंखें मूंद लेते हो और बोलते हो सब चंगा है, सब चंगा नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हमारे से पूछिए, हम देते हैं आपको रियलिटी ग्राउंड की क्या है। ये जिहाद है, जिहाद लगातार हम बता रहे हैं आपको, कश्मीरी पंडित हमेशा अलार्म रेज करता है, डे 1 से अलार्म रेज कर रहा है,
700 सालों से अलार्म रेज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी इस चीज को सुन नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ द इंडिया में फैल रहा है, अनफॉर्चुनेटली आप कभी इसे रोक नहीं लगा पाए। आपको सुनना पड़ेगा इस चीज को, ये जिहाद है, जिहाद। आज कश्मीरी पंडित स्टेज 4 में है कैंसर की, जिहाद की, जिसमें ये मेजोरिटी से माइनॉरिटी पे भी हो चुका। घर भी छिन गए इसका, सब कुछ छिन गया, लेकिन पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया स्टेज 1 ऑफ कैंसर है जिहाद का। उन्हें समझना चाहिए, हमारा तो सब लूट गया, लेकिन आज देश को जागने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है क्या हो रहा है। उन्हें ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी, अपीजमेंट्स बंद करनी पड़ेगी। कब तक आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिर कब तक? देखिए, जान है तो जान है, मेरी जान यहीं पे सुरक्षित है। जम्मू में 30 साल में एक भी टारगेट किलिंग नहीं हुई, आप भी यहीं के रहने वाले, आप लोगों से हमें स्नेह मिला। कश्मीर में ही 30 साल में मैसेकर्स भी होते हैं, टारगेट किलिंग्स भी होती है, क्यों? आप ये पूछिए ना, ये 4200 लोगों को बोलते हैं रिहैबिलिटेट किया, क्या रिहैबिलिटेशन इसे कहा जाता है? 4200 लोगों को रिहैबिलिटेशन कहते हो आप, और इसके वाहवाही लूटते हो आप रिहैबिलिटेशन? हम खुश नहीं हैं जिसको रिहैबिलिटेट किया, हम तड़प रहे हैं, हमारी फैमिलीज मर रही है। आप वाहवाहियाँ लूट रहे हैं नेशन में कि हमने उन्हें बसा दिया, आपने हमें बसाया नहीं, हम वहाँ बस नहीं रहे, सह रहे हैं। हमें रिहैबिलिटेट नहीं किया गया, हमें एक हॉस्टाइल सिचुएशन में रखा गया है वहाँ पे। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि अंशी मनोज सिन्हा ने ये कहा था कुछ समय पहले, अंशी मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और आप राजभवन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, क्या अंशी मनोज सिन्हा अपने दरवाजे खोलेंगे, क्या लगता है? और क्या सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछले समय में कहा गया था अंशी मनोज सिन्हा ने कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्या आप इन एम्प्लॉइज के लिए दरवाजे खोलेंगे? मैडम, मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देख लीजिए, आज 6 महीने से जो पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने जो अपने जान की गुहार लगाई थी, आज इनकी पोल जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब की जो कही हुए जो बातें हैं, कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। आज जिस तरीके से एलओसी के ऊपर, जिस रजौरी एरिया के डांगरी में, जिस तरीके से जिस प्रीतम जी ने, जिन लोगों ने आज शाते दी और नए साल और पहले दिन ये अपने चश्मे उतारे, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरीके से पोल खुल गई है, अब एक ही विकल्प है, हम अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह, जब भी आप यहाँ विजिट करते हैं तो कश्मीरी हिंदू न्याते लोगों को मारा जाता है। आज जब नया साल, नए साल की जश्न जो मना रहे थे, वो जो लेबर तकबा जो था, जब शाम को वो उनकी बीबियाँ, उनके बच्चे जब रात को खाना बना के जब खाना डालने की तैयारी कर रहे थे, और उनको पूछा गया और उनके आधार कार्ड चेक किए गए, और टावर तोड़ जिस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, हम कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान को मैं चाहूंगा कि हमारे अमित शाह जो है इतने सक्षम नहीं है, उनको चूड़ियां पहननी चाहिए, नहीं तो वार करना चाहिए। और जिस तरीके से पीएम पैकेजों की जो डिमांड है, जो है जो रिलोकेशन की जो बात वो करते हैं, जो अटैचमेंट, वो आप गवर्नर साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि ये कहते हैं आपको कि हमारी जान बचाइए, हमारे बच्चे और हमारे बीबियों की, हमारे बुजुर्गों की जान बचाइए, जो कश्मीर में जो अपनी सर्विस 12 साल से जो दे रहे थे, आज कम से कम अपने चश्मे उतार के अपनी रोशनी से देख लीजिए कि एलओसी पर जिन लोगों के शहीद जो लोग हुए हैं, उनको जवाब दीजिए, उनके परिवार को जवाब दीजिए। ये संख्या बढ़ती जा रही है, इसके जिम्मेवार आप हैं, आप टोटल फेलियर हैं। आप अपना सामान पैक कीजिए, और ये लोग जो है आपको आप यूपी वापस भेजेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं तो हम लोग सारे आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। ये बच्चे जो है, ये बच्चों की फीस नहीं दे सकते, अपने बाबा माँ बाप की दवाइयां नहीं ला सकते, और कल परसों जिस तरीके से जिसकी सैलरी 3 महीने से अक्टूबर महीने से बंद थी, उसकी बीबी, उसकी बेटियां एलजी साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहती है, वो बेचारा भी शहीद हुआ, उसकी जवाबदेही जो है वो इन लोगों की है, और इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। जब तक अपनी डिमांड हम पूरी नहीं है, हमारी डिमांड है, जब तक ये पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं, राजभवन के सामने है, लगातार धरना प्रदर्शन मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं राजभवन के बिल्कुल सामने धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि एलजी मनोज सिन्हा हमारी बात सुने, हमसे बात करें, हमारी मांगों को पूरा करें। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, किस
तरीके से ये भीड़ आज राजभवन के सामने उमड़ पड़ी है, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इससे पहले भी मांग की गई, इससे पहले भी यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, ये कहा गया कि अजय मनोज सिन्हा बाहर आइए, हमसे बात करिए, हमें रिलोकेट करिए, हमारी मांगों को पूरा करिए। और इनका यही कहना है कि हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे लेकिन कश्मीर नहीं जाएंगे जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। साफ तौर पर इनका कहना है, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या राजभवन के दरवाजे खुलेंगे? क्या राजभवन के दरवाजे खुलेंगे इनके लिए? जिस तरीके से इन्होंने कहा था, अजय मनोज सिन्हा ने कहा था कि राजभवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, क्या अब ये दरवाजे खुलेंगे? इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि राजभवन के क्या दरवाजे खुलेंगे इनके लिए या फिर ये अपने घर वापस लौट जाएंगे? कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।